सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सो फाइनली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आप तमाम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है पोस्ट कम आई है और कुछ कुछ मतलब इसमें चेंजेस भी हुए, तो आप थोड़े बहुत निराश होंगे। बट कोई ना, वैकेंसी तो आई है, बट अपना 101% दीजिए तो आपका सब कुछ सही होगा। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसकी कैसे शुरुआत कर सकते हैं पढ़ने की, और जो आपका मेंस का पेपर है उसकी कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। उससे पहले जो लोग चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट और ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, उससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम चैनल की मेरी लिंक है और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो सीधे जाइए इंस्टाग्राम पे और वहां पर मुझसे क्वेश्चन, यदि आपको कोई भी डाउट है तो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो, और चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको ऐसी तमाम जॉब्स के बारे में बच्चे डिस्कशन करते हैं वहां पे, सारी चीज आपको क्लियरली हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वैकेंसी, यदि आप स्टेनो 2, स्टेनो 3 या SI-GRADE 3 किसी भी पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको कहाँ से कैसे शुरुआत करनी चाहिए, आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी भी बच्चे, अब ये होगा कि अभी बहुत से बच्चों ने शुरुआत नहीं करी होगी, तो शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आपने सिलेबस देख लिया होगा, सिलेबस में आपके कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके पास बुक होनी चाहिए। यदि आपके पास बुक लिस्ट नहीं है तो मैं एक बुक लिस्ट पे वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा, जिससे आपके पास एक बुक लिस्ट होनी चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो शुरुआत कहाँ से और कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए, तो वो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश जीके की। मध्य प्रदेश जीके इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप ये पढ़ोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश जीके से आपको शुरुआत करनी है, और लगभग यदि आज से भी शुरुआत करते हो तो लगभग आधे से 1 घंटा आपको पढ़ना है प्री के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर बात करते हैं मेंस की, तो मेंस भी आपको आज ही से शुरू करना है, आज से या कल से शुरू कर सकते हो। आपको करना है टाइपिंग, टाइपिंग की शुरुआत करनी है, और जितने भी न्यायिक शब्द है वो आपको, न्यायिक शब्द कोर्ट से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसकी टाइपिंग करनी है। और प्री के लिए जैसे मैंने बताया आपको, MPGK से स्टार्ट करोगे आप, तो ये शुरुआत है। मैंने क्या बोला आपको कि शुरुआत कहाँ से करनी है, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। धीरे धीरे आपको फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताना पाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी और आपकी एक लिंक बन जाएगी कि आपको एक कॉन्फिडेंस होने लगा कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको सारी चीजों की जानकारी मिलती रहेगी। तो आपको शुरुआत कुछ इस प्रकार से करनी है, अभी आधा 1 घंटा स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करिए। जैसे ही आपकी एक लय बनेगी तो आप धीरे धीरे 2 घंटे भी उसको आराम से खींच लेना, तो आराम से आपकी प्री की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और मेंस को साथ में लेके चलना है, रोज 1 घंटे लगभग टाइपिंग करके प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी ये जो शुरुआत है ये बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाती है मेरे हिसाब से, यदि आप मेरे को फॉलो करते हो तो ये चीज आपको फॉलो करते हुए चलनी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए। ये शुरुआती वो बता रहा हूँ कि आपको शुरू कैसे करना है, ठीक है। फिर आगे आगे मैं आपको चैनल से जुड़े रहिए, आगे आगे और सब बहुत सारी चीज बताऊंगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने दे दी है, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो करके आप कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये जो शुरुआत है वो बेस्ट शुरुआत होगी आपकी। तो जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।